हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकल केज लर्निंग। ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी जो हम कवर कर रहे हैं, तो वो चैप्टर फिफ्थ जो है आज हमें कवर करना है जी। फोर्थ चैप्टर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का था, जिसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अब जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनको कैसे तो ठीक करना पड़ेगा ना, तो थेरेपी एक ऑप्शन अच्छा होता है। तो थेरेपिटिक अप्रोचेज क्या क्या हो सकते हैं, किस किस तरीके से थेरेपी आप दे सकते हैं, किस टाइप्स क्या हैं थेरेपीज के, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 11th 12th की एनसीईआरटी साइकोलॉजी बहुत बेसिक है, हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए जरूरत है। ये डी ट्रिप्लस भी 2023 इसलिए लिख रखा है क्योंकि एक तो मैं 2023 में करवा रही हूं इन लेक्चर्स को, प्लस डी ट्रिप्लस भी के लिए स्पेसिफिकली 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है साइकोलॉजी की वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। मतलब आप कुछ भी ना करके जाए तो आपको 11th 12th की एनसीईआरटी तो करनी पड़ेगी। इसलिए ये डी ट्रिपल एस बी 2023 लिखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं थेरेपिटिक अप्रोचेस। तो हमें पता होना चाहिए कि जो साइकोथेरेपी की हम बात करते हैं उसका नेचर क्या है या क्या प्रोसेस रहेगा। मतलब हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ठीक करना चाह रहे हैं ना, तो वो साइकोलॉजी को हमें देखना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा। तो वो साइकोलॉजी के लेवल पे जब हम थेरेपी दे रहे हैं उस इंसान को, तो उसका नेचर क्या है या प्रोसेस क्या है। एक तो जो साइकोथेरेपी होती है, अच्छा एक काउंसलिंग वर्ड भी हम यूज करते हैं। अगर आपके पास टाइम हो और आपने पहले से लेक्चर्स देखने शुरू कर रखे हैं और आपके पास जब ये वीडियो आप देखें आपके पास इनफ टाइम है कोई भी एग्जाम की तैयारी के लिए, तो आप काउंसलिंग से रिलेटेड गाइडेंस एंड काउंसलिंग की प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि उस काउंसलिंग की प्लेलिस्ट में डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, इक्लेक्टिक काउंसलिंग, सो जो मेजर मेजर चीजें हैं वो आपको समझ आनी चाहिए। अब अगर हम साइकोथेरेपी की बात करें तो ये वॉलेंटरी रिलेशनशिप होता है उस इंसान के बीच में जो ट्रीटमेंट लेना चाह रहा है प्लस जो इंसान ट्रीटमेंट दे रहा है उनके बीच में, यानी क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में, या क्लाइंट और काउंसलर के बीच की बात हो रही है। सो दो लोग जो एक तो ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं और एक देना चाह रहे हैं, उनके बीच में वॉलेंटरी रिलेशनशिप है ये। मतलब अपनी मर्जी से हो रही हैं ये चीजें। डेफिनेटली ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा, ऐसा नहीं है कि काउंसलर जो है आपकी बात किसी और को बताए, तो कॉन्फिडेंशियल रहेंगी आपकी इंफॉर्मेशन। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आप मेंटेन करेंगे काउंसलर के साथ या थेरेपिस्ट के साथ, क्योंकि इंटर हो गया ना, दो इंटर और इंट्रा दो वर्ड हम देखते हैं। इंट्रा मतलब विद इन और इंटर मतलब बाहर, आउटसाइड। सो किसी दूसरे इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप बन रहा है और डायनेमिक रिलेशनशिप होगा, स्टैटिक नहीं होगा, चीजें चेंज होती रहेंगी। पर्पस क्या होता है इस रिलेशनशिप का, भाई क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं उनको सॉल्व करना है और यही पर्पस है। सो एम क्या रहेगा, ये एम रहेगा कि जो भी माल एडेप्टिव बिहेवियर क्लाइंट ने गेन कर रखा है उसको हमें चेंज करना है, ठीक है, और डिक्रीज करना है जो भी उनको स्ट्रेस जो हो रहा है, डिस्ट्रेस, वो उसको कम करना है। तो देखिए स्ट्रेस तो अच्छा भी हो सकता है, ये हमने पढ़ा है स्ट्रेस के चैप्टर में। तो स्ट्रेस में दो वर्ड आते हैं, यू स्ट्रेस, अगर आपने नहीं देखा तो मेक श्योर आप 11th 12th की एनसीईआरटी पूरी देखें जो भी मैंने करवा रखी है सारे लेक्चर्स। एक होता है डिसस्ट्रेस, डिस्ट्रेस, सो यू स्ट्रेस अच्छा होता है जी और डिस्ट्रेस बुरा होता है। तो जहां पे भी बुरे स्ट्रेस की बात आ रही होती है, बैड स्ट्रेस जो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो डिस्ट्रेस रहेगा। तो डिस्ट्रेस जो है उसको कम करना है, क्लाइंट को हेल्प करना है एक बेटर एनवायरमेंट जो है उसमें अडेप्ट करने के लिए। सो ये एम रहेगा साइकोथेरेपी का। जितने भी साइकोथेरेपिटिक अप्रोच होते हैं उनकी कुछ एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे यहाँ पे एक सिस्टमेटिक एप्लीकेशन रहेगी प्रिंसिपल्स की कि कैसे थेरेपीज या कैसी थियोरीज जो है वो यूज होंगी। पर्सन हु रिसीव्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी यही तो हम गाइडेंस और काउंसलिंग में फर्क भी पड़ते हैं ना, अगर आपने सुना हो मेरी वीडियोस में। सो गाइडेंस क्या होगा, GUIDE, ठीक है। गाइड क्या होता है, जो कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी आपको गाइड कर सकता है, आपके टीचर भी कर सकते हैं, लेकिन जब काउंसलर की बारी आती है तो काउंसलर एक ट्रेंड पर्सन होता है, उसमें प्री सर्विस ट्रेनिंग की जरूरत होती है। सो एक प्रैक्टिकली ट्रेंड एक्सपर्ट की सुपरविजन में आप साइकोथेरेपी कर रहे हैं, हर किसी की प्रेजेंस में नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका फ्रेंड ही आपका थेरेपिस्ट बन जाए, नहीं, वो फिर गाइड ही रहेगा, वो गाइडेंस का प्रोसीजर रहेगा। सो एक अनट्रेंड पर्सन जो है वो अनइंटेंशनली कुछ ना कुछ हार्म पहुंचा सकता है, कुछ ना कुछ गलती उससे हो सकती है ना चाहते हुए भी, इसलिए सिर्फ ट्रेंड पर्सन की प्रेजेंस में ही साइकोथेरेपी होती है। थेरेपेटिक सिचुएशंस जिसमें एक थेरेपिस्ट की और एक
क्लाइंट की जरूरत होती है दोनों की, ऑब्वियसली इन दोनों की जरूरत रहेगी, प्लस एक इमोशनल प्रॉब्लम जो भी आप फेस कर रहे हैं ना, सो उसको हम उसके ऊपर मेजरली हमारी अटेंशन उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की रहेगी। ओके, सो ये एक कॉमन चीज नजर आती है जब हम थेरेपीज लेंगे, इंटरेक्शन जो है किसका, उन दोनों इंसान का, थेरेपिस्ट का और क्लाइंट का, उनके वो जो इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, उसकी वजह से एक रिलेशनशिप निकल के आएगा जिसको हम थेरेपिटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। जितनी भी साइकोथेरेपीज की हम बात करते हैं उनका मेजरली क्या एम होता है कि क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसको रिजोल्व करना, रेनफोर्स करना उसके बेटरमेंट के लिए चीजों को। ओके, जो इमोशनल प्रेशर वो फील कर रहे हैं उसको कम करना, उनकी जो पॉजिटिव ग्रोथ का पोटेंशियल है अंदर से कि वो नेगेटिविटी हटा के पॉजिटिव ग्रोथ जो है वो कर सकते हैं उसको अनफोल्ड करना। ओके, मतलब पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ उनको आगे बढ़ाना, उनकी हैबिट्स को मॉडिफाई करना जो भी गड़बड़ कर रही है सारी हैबिट्स, चेंजिंग थिंकिंग पैटर्न, जिस तरीके से वो सोच रहे हैं, क्योंकि कई बार आप उल्टे ही सोच रहे होते हैं ना, सारी नेगेटिव चीजें ही सोच रहे होते हैं जिस वजह से आप खुद भी स्ट्रेस में चले जाते हैं, फिर आपको थेरेपी की जरूरत पड़ती है। तो वो जो थिंकिंग पैटर्न है आपका उसको चेंज करना है कि आप पॉजिटिवली चीजों को सोचें। ओके, सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज करनी है कि वो खुद के बारे में जाने, ताकि ऐसा ना हो कि बार बार ही थेरेपिस्ट के आने की जरूरत पड़ रही है। सो आपको उसके बारे में, मतलब क्लाइंट को उसी के बारे में कैसे पता चलेगा, तो वो अवेयरनेस इंक्रीज करने में हेल्प करनी है। इंटरपर्सनल रिलेशंस और कम्युनिकेशन जो है उनको इंप्रूव करना है, डिसीजन मेकिंग उनकी फैसिलिटेट करनी, अच्छी करनी है ताकि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें। बिकमिंग अवेयर ऑफ वन्स चॉइसेस, जो भी आप चॉइसेस ले रहे हैं लाइफ में, सो उन चॉइसेस के प्रति आप अवेयर रहें कि आपकी क्या क्या चॉइसेस हैं, सो वो अवेयरनेस जरूरी है, वो लेके आनी है। और रिलेटिंग टू वन सोशल एनवायरमेंट इन मोर क्रिएटिव एंड सेल्फ अवेयर मैनर, तो जब आपके अंदर सेल्फ अवेयर ऑलरेडी आ चुकी है, आपको अपनी चॉइसेस के बारे में अवेयरनेस है, सो मोर क्रिएटिव और सेल्फ अवेयर्ड मैनर में आपको रिलेट करना है आपके आसपास के एनवायरमेंट से। ओके, तो बेसिकली सारा का सारा ज्ञान ही है यहाँ पे जो आप यूजुअली सुनते हैं, वही सारी चीजें हैं यहाँ साइकोथेरेपी के अंदर। ओके, अब एक थेरेपेटिक रिलेशनशिप बनाते हैं ना क्लाइंट और जो हमारा थेरेपिस्ट है, सो एक स्पेशल रिलेशनशिप जो बनता है उसको हम थेरेपेटिक रिलेशनशिप या थेरेपेटिक अलायंस बोलते हैं। ना तो ये ऐसा होता कि परमानेंट हो बिल्कुल, और ना ही ऐसा होता कि बिल्कुल ही टेम्परेरी हो। ओके, सो एक लास्टिंग रिलेशनशिप है जो जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहां पे आप एक दूसरे से जो है वो बात करना पसंद करते हैं। दो मेजर कंपोनेंट थेरेपेटिक अलायंस में या रिलेशनशिप में हमें देखने को मिलेंगे, एक तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल होता है नेचर में, मतलब दो लोग, मतलब थेरेपिस्ट जो है वो भी इंटरेस्टेड है आपकी थेरेपी करने में, और आप भी इंटरेस्टेड है, क्लाइंट इंटरेस्टेड है उसके साथ थेरेपी करने में, हेल्प मतलब वहां से हेल्प लेने में। तो वो जो पार्टनरशिप है वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल है, म्यूचुअल है। ओके, विलिंग है दोनों, एक दूसरे वॉलेंटरी है ये। सेकंड कंपोनेंट रहेगा कि जो थेरेपी हो रही है उसकी जो ड्यूरेशन, ये जो अलायंस की ड्यूरेशन है ये लिमिटेड होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए सेशंस लेते रहें, ऐसा नहीं होगा, लिमिटेड टाइम के लिए ये सेशंस रहेंगे। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम से डील करना सीख नहीं जाते तब तक ये सेशंस रहते हैं। सो ये दो कॉम्पोनेंट रहेंगे इस रिलेशनशिप के। फर्दर अगर देखें तो ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा आपका क्लाइंट का थेरेपिस्ट के ऊपर, और थेरेपिस्ट भी उस कॉन्फिडेंस की लाज लज्जा रखेंगे कि वो जो है चीजों को इधर उधर ना करें, एक एम्पथी जो है वो क्लाइंट की तरफ दिखाएं, एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दिखाएं। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मतलब क्लाइंट को जज ना किया जाए, जो भी वो चीजें बोल रहे हैं, मान लो वो गुस्सा भी कर रहे हैं या जो भी चीज उनको एग्रेशन आ रहा है अंदर से, तो वो चीजें हैंडल करना ही थेरेपिस्ट का काम है। ओके, सो वो अनकंडीशनली बिना किसी कंडीशन के एक पॉजिटिव एटीट्यूड थेरेपिस्ट को क्लाइंट की तरफ रखना है, ठीक है, वो जज नहीं करेंगे क्लाइंट को, एंड मस्ट नॉट एक्सप्लॉइट द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। किसी भी तरीके से आपको उन्होंने क्लाइंट ने जो आपके ऊपर ट्रस्ट दिखाया है उसको नहीं तोड़ना है, उसको एक्सप्लॉइट, उसको शोषण नहीं करना है उसका, वो कॉन्फिडेंस क्लाइंट का जो है वो मेंटेन करके रखना है। और फाइनली हमें ये समझना चाहिए कि ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप है तो ये प्रोफेशनल लेवल तक ही रहे, वही बढ़िया है। ओके, अब किस किस तरीके की थेरेपीज हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके की हो सकते हैं, बट तीन ब्रॉड ग्रुप में हम इसको डिवाइड करते हैं, साइकोडायनामिक, बिहेवियरल थेरेपी और एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपीज।
मेजरली अगर हम बात करें सभी थेरेपीज की, तो इन जनरल कुछ एक चीजों पे हम फोकस करते हैं। जैसे पहले हम कारण पे फोकस करेंगे कि किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, देन वो वजह क्यों आई, मतलब कहाँ से आया वो कारण ना एग्जिस्टेंस में, उस कारण का भी क्या ओरिजिन है, चीफ मेथड क्या हो सकता है ट्रीटमेंट का, कौन सी थेरेपी हम इस्तेमाल करेंगे, नेचर क्या रहेगा आपके थेरेपेटिक रिलेशनशिप का, ठीक है, क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में, वो पता चलेगा। देन आप बेनिफिट देखेंगे कि क्लाइंट को चीफ मेजर बेनिफिट क्या हो रहा है ये थेरेपी करने से, और थेरेपी का या ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन क्या रहेगा। सो ये सारी की सारी चीजें, हर तरीके की जो थेरेपी होगी उसके अंदर, उसके मतलब हर एक थेरेपी में ये चीजें जरूर मद्देनजर रखी जाएंगी, इनके ऊपर फोकस होगा। अब जब आप क्लाइंट की प्रॉब्लम शुरू करते हैं ना सुनना, तो वहां पे कुछ एक स्टेप्स होते हैं जब क्लाइंट की प्रॉब्लम आप समझना शुरू करते हैं। सो उसको हम क्लिनिकल फॉर्मुलेशन बोलते हैं। क्लिनिकल फॉर्मुलेशन मतलब जो प्रॉब्लम है क्लाइंट की थेरेपेटिक मॉडल में, उसको फॉर्मुलेट करना, कि आप पता करना कि प्रॉब्लम है क्या। तो जब आप क्लिनिकली फॉर्मुलेट करते हैं तो उसमें ये तीन स्टेप हम पढ़ते हैं कि पहले तो आप प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे, फिर आप ये देखेंगे कि कौन कौन से एरियाज हैं, मतलब आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि किन एरियाज के ऊपर ट्रीटमेंट करना है, किस चीज पे फोकस करना है, और किस चीज पे फोकस करना है के साथ साथ हम चूज करेंगे कोई भी टेक्निक, कि कौन सी टेक्निक के साथ ट्रीटमेंट होगा। तो ये जो क्लिनिकल फॉर्मुलेशन का प्रोसेस है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलता रहेगा, ठीक है। हो सकता है हमें रीफॉर्मुलेशन की भी जरूरत पड़े, कि आपने देखा, आपने प्रॉब्लम को समझा, उसके अकॉर्डिंग चीजें करने की कोशिश की, फिर आपको लगा कि नहीं ये तो प्रॉब्लम, शायद और कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो रीफॉर्मुलेशन भी हो सकता है, दोबारा से भी आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं चीजों को। यूजुअली फर्स्ट या जो पहले एक या दो सेशंस होते हैं उसमें हम इनिशियली क्लिनिकल जो क्लिनिकल फॉर्मुलेशन है वो करते हैं, उसके लिए हम एक दो सेशंस रखते हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाएं कि अगले इंसान को दिक्कत क्या है। तो ऐसा सजेस्ट नहीं किया जाता कि बिना क्लिनिकल फॉर्मुलेशन के ही आप साइकोथेरेपी शुरू कर दें, सो इट इज नॉट एडवाइजेबल। यानी हम बोल सकते हैं सबसे पहला स्टेप ही क्या होगा, क्लिनिकल फॉर्मुलेशन का होगा। देन आता है जी बिहेवियर थेरेपी। अब थेरेपीज की बात कर लेते हैं, बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, ठीक है, तो इनकी बात कर लेते हैं, या जो ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी की हमने बात की। सो बिहेवियर थेरेपी, जहां पे भी बिहेवियर वर्ड आए वहां पे फोकस रखिएगा कि आपके बिहेवियर पे ही फोकस हो रहा है, मतलब आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसको चेंज कैसे किया जा सकता है, वो है। पास्ट आपका इतना ही रेलेवेंट रहेगा कि पहले एक्सपीरियंस क्या किए हैं चीजें आपने, बस जानने के लिए कि ओरिजिन क्या है उस बिहेवियर का, अदरवाइज पास्ट को एक्टिवेट नहीं किया जाएगा, वापस से वो चीजें आपको रिमाइंड बार बार नहीं करवाई जाएंगी। तो जो फॉल्टी पैटर्न है हम उसको ढूंढना चाह रहे हैं कि किस वजह से ये माल एडेप्टिव बिहेवियर हो रहा है। अब मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ऐसे तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं। सो जो क्लाइंट हैं जिनके साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है या कोई भी फिजिकल सिम्टम भी आ रहा है, जो कि पता है हमें कि फिजिकल डिजीज नहीं है, तो हम उनको एनालाइज करते हैं उनके बिहेवियरल पैटर्न को, कि कहीं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, कि सिर्फ साइकोलॉजिकल लेवल पे ही तो नहीं है चीजें। बिहेवियरल एनालिसिस मतलब आप उनके बिहेवियर को एनालाइज कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों आ रहा है, क्या ट्रेंड है, क्या पैटर्न है। सो वो चीजें, फॉल्टी जो बिहेवियर है उसको जानने की हम कोशिश करते हैं। माल फंक्शनिंग बिहेवियर जो है वो मेजर रीजन देखे गए हैं कि डिस्ट्रेस का कारण होते हैं क्लाइंट में, कि उनका जो बिहेवियर है, बिहेवियर नॉर्मल ना होना। दूसरा एनेक्डोटल एंटीसिडेंट फैक्टर्स होंगे, वो क्या रहेंगे, जो कि कॉज हैं किसका, उसके बिहेवियर में इंडल्ज होने का। कि मान लो आप क्लास में फेल हो गए, मान लो ट्वेल्थ क्लास में, तो आपकी गलत संगत में पड़ गए और वहां पे आपने फिर माल फंक्शनिंग ऑफ बिहेवियर शुरू हो गया, गलत संगत में जाके आपने अल्कोहल वगैरह लेनी शुरू कर दी, तो वो रीजंस हमें जानने हैं। कि रीजन क्या रहा उस सिचुएशन में, उस बिहेवियर में जाने का। अब मेंटेन करने हैं हमें वो फैक्टर्स जो कि इसको, मतलब ये जो फैक्ट जो हमने पढ़े हैं ना, मेंटेनिंग फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स जो कि क्या करेंगे, विच लीड टू परसिस्टेंस ऑफ द फॉल्टी बिहेवियर। जो ये फॉल्टी बिहेवियर हुआ है ना इन ये एंटीसिडेंट फैक्टर्स की वजह से, वो उसको मेंटेन करके रख रहे हैं, मतलब कॉन्टिन्यूटी में प्रोलोंग्ड हो रही है चीजें, परसिस्ट करके रखी जा रही है। थेरेपिस्ट का क्या काम है,
कि वो इन चीजों को फॉलोअप करेगा, देखेगा, समझेगा और फिर एंटीसिडेंट ऑपरेशन या कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन के थ्रू उसको ठीक करने की कोशिश करेगा. ओके, एंटीसिडेंट ऑपरेशन क्या होगा? जो कि बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब जैसे आपका रीजन क्या था, फेल होना ना, तो उस चीज को ठीक किया जाएगा. कैसे करके आपको पढ़ाई दोबारा से शुरू करवाई जाएगी, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, वो चीजें बताई जाएंगी. सो वो चीज है कि जो रीजन था ना मेन, जिसकी वजह से ये बिहेवियर आया था, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही ताकि ये बिहेवियर ठीक हो जाए. ओके, एस्टेब्लिशिंग ऑपरेशन क्या रहेगा, यानी कि आप चेंज जो है उसको कैसे कर सकते हैं, किसी भी रेनफोर्सिंग वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करके, वो भी वो क्या रहेगा, एस्टेब्लिशिंग ऑपरेशन. जो कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन है उसमें सिर्फ इतना होता है कि आप एनकरेज करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज के लिए. एग्जाम्पल देखिए, अब एक बच्चा है जो कि क्या कर रहा है, उसको खाना नहीं खाता वो अच्छे से, डिनर स्पेसिफिकली, डिनर लेने में उसको ट्रेवल होती है, मतलब कूदता उछलता रहता है, उसका मन ही नहीं करता. बहुत सारे बच्चे होते हैं ना ऐसा कि ज्यादा खाना नहीं खाते. ओके, सो एक एस्टेब्लिशिंग ऑपरेशन का क्या मतलब होगा कि आप जो उसको स्नैक टाइम पे फालतू चीजें खिलाते रहते हैं, जो फालतू मतलब जो आप जंक फूड या कोई भी एक्स्ट्रा चीज खिला दी आपने, ठीक है, चाय के टाइम पे जब आप चाय पी रहे तो बच्चों को भी कुछ खाने को दे दिया, तो वो क्वांटिटी आप कम कर देंगे. ओके, वो रहेगा एस्टेब्लिशिंग ऑपरेशन, यानी आपने चीजें उसको क्या कर दिया, कम कर दिया. तो हंगर हम ये मान के चल रहे हैं कि उसका बाद में जो उसको अच्छे से भूख लग जाएगी डिनर टाइम तक और वो अच्छे से डिनर कर लेगा. सो ये हुआ एस्टेब्लिशिंग ऑपरेशन, यानी आपने चीजों को रेनफोर्स करने के लिए इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया. ओके, एक है आपने कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन क्या रहेगा कि आपने बच्चे को प्रेज किया जब वो अच्छे से खा रहा है खाना, कि अरे वाह बहुत अच्छे से खा रहा है खाना हमारा बेबी, तो ठीक है, तो वो चीज क्या हुई, आपने एनकरेज किया उस बिहेवियर को जो उसने किया, वो कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन होगा. एंटीसिडेंट ऑपरेशन क्या होगा कि आपने रिड्यूस कर दिया फूड एट द टी टाइम, ये तो क्या था, एक सेकेंड, ये हुआ ना सेम चीज, ये आपने क्या किया, दिस वुड इंक्रीज द हंगर, तो वो रीजन हम लेके आ गए यहाँ पे. सो ओवरऑल हमें समझ आया कि एंटीसीडेंट ऑपरेशन मतलब आपने खाना कम कर दिया, वो जो रीजन था उसको हटाया वहां से, और कॉन्सिक्वेंट में क्या हुआ, आपने उसकी प्रेज की. सो ये एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट जो हमने यहाँ पे पढ़े, ठीक है. अब इसको अगर हम रेनफोर्स करते रहेंगे चीजों को, तो वो एस्टेब्लिशिंग ऑपरेशन हो जाएगा कि आप चीजों को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं. तो ये तीन ऑपरेशन को ध्यान रखिएगा. अब ये मेथड्स थे, बट टेक्निक्स क्या होंगी पर्टिकुलर, सो रेंज ऑफ टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन बिहेवियर. जो भी प्रिंसिपल्स रहेंगे इन टेक्निक्स के लिए, वो मेजरली यही रहेंगे कि जो क्लाइंट का अराउजल लेवल है उसको रिड्यूस किया जाए. ओके, और जब बिहेवियरल टेक्निक की बात कर रहे हैं, सो बिहेवियर मतलब आपने उसको एल्टर करना है, तो अब आप क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू कर सकते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू कर सकते हैं, आप जो हमने वो पढ़ा था विकैरियस लर्निंग उसके थ्रू भी कर सकते हैं, यानी सोशल लर्निंग के थ्रू, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू, ठीक है. तो जिस भी चीज की आपको जरूरत पड़ेगी आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं. अब आपने वो बिहेवियर चेंज करना है, मान लो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप नेगेटिव रेनफोर्समेंट यूज कर सकते हैं, मतलब आपको उससे क्या करना है, चीजों को एस्केप करना है, ठीक है, एस्केप करना है या अवॉइड करना है. जैसे अब आपको ये पता है कि अगर आपने वूलन के कपड़े डाले तो आपको ठंड नहीं लगेगी, या फिर आपने आग जला ली वहां पे, या आपने इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल कर लिया, तो आप अवॉइड कर सकते हैं अनप्लेजेंट कोल्ड वेदर को. ओके, तो वो आपने क्या किया, अवॉइड किया, ये चीज क्या हुई, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, मतलब आपने उस पर्टिकुलर चीज में जाने से पहले ही, वो चीज फील करने से पहले ही उसको कम कर लिया आपने, कपड़े वपड़े अच्छे से पहन लिए. ओके, सो ये क्या हुआ, नेगेटिव रेनफोर्समेंट. एक होता है जी एवर्सिव कंडीशनिंग, इसमें हम क्या करते हैं, refers to repeated association of undesired responses with an aversive consequence. जैसे ये alcohol ले रहा था कोई इंसान, ठीक है, alcoholic है, कैसे छुड़वाएंगे alcohol, जैसे ही उनको alcohol की smell आई उनका मन किया, वैसे ही हमने electric shock दे दिया, ठीक है, और फिर उनसे पूछा स्मेल करने को अल्कोहल को. अब रिपीटेड पेयरिंग जब हम करेंगे, सो वो अल्कोहल की स्मेल और वो पेन जो फील हुआ है आपको इलेक्ट्रिक शॉक से, वो कंडीशनिंग साथ में हो जाएगी. ओके, फिर आप जो है वो पर्सन अल्कोहल कि मतलब वो जो शॉक है वो एसोसिएट हो गया अल्कोहल के साथ, इसलिए वो लेना नहीं पसंद करेंगे. तो ये एवर्सिव हमने कंडीशनिंग कर दी, जिसको हम एवर्सिव कंडीशनिंग बोल रहे हैं. हमने अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स को एक कॉन्सिक्वेंस के साथ क्या कर दिया, ना मतलब आप चाहेंगे नहीं वो कॉन्सिक्वेंस, आप थोड़ा ना चाहेंगे आपको दर्द हो इलेक्ट्रिक शॉक लगे, तो वो कनेक्ट कर दिया हमने. पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होगी कि आप पॉजिटिवली उस चीज को बढ़ावा दे रही हैं. जैसे मान लो कोई बच्चा अच्छे से होमवर्क नहीं कर रहा है रेगुलरली, सो मम्मी
मम्मी क्या कर रही है कि जब वो अच्छे से होमवर्क कर लेगा, जितना टाइम उसको दिया है उतने टाइम में, तो उसकी फेवरेट डिश बनाई जाएगी। ओके, सो ये क्या हुआ, पॉजिटिवली रेनफोर्समेंट हुआ। इसी के साथ साथ एक और चीज होती है, टोकन इकोनॉमी। यानी अब बच्चे को आपने बोला कि जब जब वो होमवर्क करेगा तब तब उसको एक पर्टिकुलर टोकन मिलेगा, और उन टोकन को जोड़ के वो फिर पेरेंट्स से डिमांड कर सकता है कि अच्छा मेरे पास इतने टोकन हो गए हैं तो आप मुझे बाहर लेके चलिए या मेरे को ट्रीट दीजिए। तो वो टोकन के बदले आप फिर उसको कुछ देंगे। सो इससे भी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो सकती हैं, टोकन इकोनॉमी। देन है जी डिफरेंशियल रेनफोर्समेंट, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्समेंट टाइम टू टाइम। जैसे एक ऑप्शन क्या हो सकता है कि आपने पॉजिटिव रेनफोर्समेंट किया, यानी जब उसने अच्छे से काम कर लिया, होमवर्क कर लिया, तो आपने क्या किया उसको पॉजिटिवली रेनफोर्स करने के लिए, या तो टोकन इकोनॉमी यूज कर ली, या फिर आपने क्या कर दिया कि आप उसको बोल रहे हैं कि आपकी फेवरेट डिश बनाई जाएगी अगर आपने टाइम से होमवर्क कंप्लीट किया तो। लेकिन अगर नहीं किया, जो आप मतलब अनवांटेड अगर बिहेवियर हुआ, तो आप क्या करेंगे, फिर पनिश करेंगे उसको, ठीक है, या फिर कोई और चीज तरीका ढूंढेंगे। सो ये एक डिफरेंशियल रेनफोर्समेंट, जहां पे आप साइमल्टेनियसली अलग अलग चीजें, मतलब अनवांटेड बिहेवियर को आप रिड्यूस करना चाह रहे हैं और जो आप चाहते हैं वांटेड बिहेवियर उसको इंक्रीज करना चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट आप दें जब वो बिहेवियर आप चाह रहे हैं वो कर रहा है, और जब अनवांटेड बिहेवियर कर रहा है तो आप चीजों को इग्नोर कर दें। ओके, तो ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है कि आप इग्नोर करने वाला, तो ये लेस पेनफुल है और इक्वली इफेक्टिव है। तो ये करना बेटर है कि जब वो अच्छी चीज करे तो आप उसको प्रेज करें, एनकरेज करें, पॉजिटिवली रिइंफोर्स करें, लेकिन जब गलत चीज हो तो आप उसको इग्नोर कर दें। ओके, एक और तरीका है जी सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। ये टेक्निक को इवॉल्व किया है वोल्प ने, आप नाम याद रखेंगे इनका। जैसे लास्ट लेक्चर में, लास्ट जो हमारा फोर्थ चैप्टर था, हमने फोबिया इरेशनल फियर्स की बात की थी ना, वो भी तो साइकोलॉजिकली है। सो एक सिस्टमैटिक वे में आप थेरेपी दे रहे हैं अगले इंसान को कि उसके अंदर वो फोबिया, क्योंकि फोबिया मतलब वो एंजाइटी हो रही है ना कॉन्टिन्यूटी में एकदम से, सो वो एंजाइटी आपको कम करनी है, वो जो फोबिया है उसको सिस्टमैटिक वे में ठीक करना है। ओके, सो जब आप सेशंस, ओवर द सेशंस क्लाइंट इज एबल टू इमेजिन मोर सीवियर फियर प्रोवोकिंग सिचुएशन व्हाइल मेंटेनिंग द रिलैक्सेशन। सो इसके अंदर रिलैक्सेशन की टेक्निक काफी इस्तेमाल होती है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की, जब हम बात करेंगे, और उसमें भी पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन होता है। मतलब क्या होता है, ये प्रिंसिपल का मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ टू म्यूचुअली अपोजिंग फोर्सेस सेम टाइम पे, और वीकर फोर्स जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। मतलब आप दो ऐसे काम कर रहे हैं ना कि आप मतलब ये लगा लीजिए, जैसे ये यहां पे दे रखा है एग्जांपल, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स इज फर्स्ट बिल्डअप एंड माइल्डली एंजाइटी प्रोवोकिंग सीन इज इमेजिन्ड, एंजाइटी इज ओवरकम बाय द रिलैक्सेशन। यानी आप मान लो आपको तितलियों से डर लगता है, ठीक है, सो आपको रिलैक्स फील करवाया जाएगा, जैसे ही तितली आई उसके टाइम पे आपको और रिलैक्स फील कराया जाएगा। तो वो रिलैक्सेशन वाली जो चीज है ना, वो तो क्या है, आपकी एंजाइटी को प्रोवोक कर रही है जो आपकी तितलियां हैं, और दूसरी तरफ आपको रिलैक्सेशन प्रोसीजर दिया जा रहा है। तो जो चीज ज्यादा होगी, अगर रिलैक्सेशन प्रोसीजर ज्यादा होगा तो आप ज्यादा टाइम तक उनसे मतलब सहन कर सकते हैं ना उनको, वो टॉलरेंस पावर आपकी इंक्रीज हो रही है। तो वो बेसिकली पॉइंट इतना ही है कि रिलैक्स करके, आपको रिलैक्स्ड स्टेट में ले जाके थोड़ी सी एंजाइटी दिखाई जाती है, फिर उसको दूर कर लिया जाता है, आप ठीक हो जाते हैं, फिर आपको रिलैक्स किया जाता है और थोड़ी सी एंजाइटी वापस से वो तितलियां ले आए हम, तो आपको थोड़ी सी एंजाइटी, मतलब टाइम लगेगा अब आपकी एंजाइटी में, तो वो टॉलरेंस पावर जो है वो आपकी इंक्रीज होती जाती है। ओके, रिलैक्सेशन प्रोसीजर क्या होता है, थेरेपिस्ट जो है वो आराम से रिलैक्स करने को बोलता है इसके अंदर, तो वो प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन भी होता है और मेडिटेशन भी हो सकता है। प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन मतलब आपको अवेयरनेस, आपको अवेयर करवाया जाता है पर्टिकुलर चीजों को लेके कि भाई रिलैक्स फील कीजिए। ओके, तो आपकी जो मसल्स हैं उनसे रिलेटेड अवेयरनेस आपको दी जाती है कि कौन सी मसल क्या काम कर रही है, कब आपको मसल को टेंस करना है, आप एक बार उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करके देखिए मसल को, और उसके बाद फिर रिलैक्स कीजिए। तो आपको वो मसल्स के बारे में ज्यादा समझाया जाता है इसके अंदर, सो वो प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन होगा। और मेडिटेशन हम सबको पता है, और आगे भी लास्ट स्लाइड में मेडिटेशन के बारे में हम बात करेंगे। एक मॉडलिंग की बात जो हमने बोला था, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या सोशल लर्निंग या विकैरियस लर्निंग भी इसको बोलते हैं, जब आप दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। तो जो थेरेपिस्ट है वो एक रोल मॉडल की तरह काम करेगा, जैसे जैसे वो बिहेव करेगा आप भी वैसे वैसे बिहेव करना सीख जाएंगे। सो वो क्या रहेगा जी, मॉडलिंग, ये भी एक टेक्निक होती है। ओके,
तो हमने बहुत सारी टेक्निक पढ़ी बिहेवियरल में, तो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि एक स्किल्ड थेरेपिस्ट की हमें जरूरत पड़ेगी जो कि एक्यूरेटली बिहेवियर को एनालाइज करे और एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट पैकेज जो है जो कि अप्रोप्रिएट हो पर्टिकुलर इंसान के लिए उसको रेडी करे। तो ये हो गई बिहेवियरल टेक्निक्स और बिहेवियरल थेरेपी। अब बात आती है कोगिनेटिव बिहेवियर थेरेपी की, CBT। एक REBT भी होता है ना, मैंने आपको करवा रखा है, नेट के बच्चों के लिए करवाया था, लेकिन आप उसको कर लीजिएगा और मैं आपकी इसमें प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगी DRRPSB वालों के लिए। वो भी क्या है, एक तरीके से बिहेवियरल टेक्निक ही है, ओके, तो वो भी कीजिएगा। सो इसमें जी कोगिनिशन और बिहेवियर दोनों को मिक्स कर दिया है, दोनों को साथ लेके चल रहे हैं अब हम, ओके। सो ये कोगिनेटिव थेरेपी को कंबाइन कर रहे हैं बिहेवियरल टेक्निक के साथ। पॉइंट क्या है कि रैशनल दिया जाएगा, आपको एक लॉजिक दिया जाएगा कि क्लाइंट को डिस्ट्रेस क्यों हो रहा है, तो वो पता करने की कोशिश की जाएगी इसके अंदर भी, ठीक है। सो वो चीज यहां पे रहेगी कि जब आप बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को रिलैक्सेशन प्रोसीजर के थ्रू एड्रेस करते हैं तो साइकोलॉजिकली प्लस साइकोलॉजी में भी आप बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव थेरेपी की टेक्निक्स को मिला के यूज करके उसके एनवायरमेंट को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, वो हमारी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो जाएगी, यानी कॉग्निशन भी बिहेवियर भी और फिर हम मिला के थेरेपी कर रहे हैं। देन आता है जी ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। ह्यूमनिस्टिक में आप इतना सा याद रखिए कि ये बोलते हैं कि जब आप अकेले होते हैं, लोनली होते हैं, ठीक है, या अलग होते हैं, दूर होते हैं पेरेंट्स से भी, सो और इनएबिलिटी होती है कि आपकी लाइफ का मतलब क्या है, क्यों कर रहे हैं आप चीजें, सो उस टाइम पे ह्यूमनिस्ट मतलब तब हमारी लाइफ में स्ट्रेस आता है, ऐसा इनका कहना है। तो वो स्ट्रेस जब आता है, अब हमें उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, जब आप सेल्फ एक्चुअलाइज कर पाएं, जब आप अंदर से मोटिवेटेड हो कि आपको पर्सनल ग्रोथ करनी है, इसलिए आप ये फोकस है आपकी लाइफ का, ये आपको करना है। और सेल्फ एक्चुअलाइज आप तभी कर सकते हैं जब आप इमोशनली अपने आप को बेटर तरीके से फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएं, ओके? तो इसका ये जो थेरेपी है हमारी ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, इसका मेजर एम होता है कि क्लाइंट को उसके बारे में अवेयर करवाना है मेजरली, ओके। हीलिंग टेक्स प्लेस बाय ए प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूनिक पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द क्लाइंट बाय हरसेल्फ और हिमसेल्फ। तो जब आप अपनी चीजों को समझने लग जाते हैं ना कि क्या हो रहा है, क्या एक्सपीरियंस था, क्या क्या चीजें आप फील कर रहे हैं, तो वो हीलिंग वहां से शुरू हो जाएगी, ओके। क्लाइंट जो है वो इनिशिएट करेगा प्रोसेस ऑफ सेल्फ ग्रोथ हीलिंग के थ्रू। और जब हम हीलिंग बोल रहे हैं बार बार, तो हीलिंग मतलब आप अपने बारे में अवेयर हो रहे हैं, ओके। अच्छा, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी की जब हम बात करते हैं तो नाम याद रखना है आपको विक्टर फ्रेंकल, इन्होंने लोगो थेरेपी जो है वो निकाल के लाया। ये लोगो का मतलब होता है जी ग्रीक में सोल और थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट, तो लोगो थेरेपी हो गया ट्रीटमेंट फॉर द सोल, ओके। तो इसमें अल्टीमेटली ये स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात कर रहे हैं आपकी, यानी स्पिरिचुअली आपको अनकॉन्शियस नहीं होना है उसकी, जैसे अनकॉन्शियस कॉन्शियसनेस इसकी बात तो फ्रूड ने की थी ना, लेकिन फ्रेंकल क्या निकाल के लाए हैं, एक प्रोसेस है, मतलब फ्रेंकल इस प्रोसेस को, ये जो लोगोथेरेपी का प्रोसेस है, इसको फाइंडिंग मीनिंग इवन इन लाइफ थ्रेटनिंग सर्कमस्टांसिस, मतलब बिल्कुल अंत आ रखा है आपकी, मतलब होता है ना कि बिल्कुल डूबने को हो रखे हो, ऐसी सिचुएशन आ रखी है, बट स्टिल आप अंदर से एक मीनिंग ढूंढ के लाते हैं कि भाई करना है लाइफ में कुछ ना कुछ, ओके। सो वो चीज है कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है ना, उस टाइम पे भी आप लाइफ के लिए एक मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। बेसिस ऑफ मीनिंग मेकिंग इज अ पर्सन्स क्वेस्ट फॉर फाइंडिंग द स्पिरिचुअल ट्रुथ, कि आप क्यों एग्जिस्ट करते हैं, आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो क्यों है, उसका स्पिरिचुअल ट्रुथ ढूंढना चाह रहे हैं, आध्यात्मिक सच आप ढूंढना चाह रहे होते हैं इसके अंदर, ओके। जस्ट एज जब अनकॉन्शियस होते हैं तो जो हमारी इंस्टिंक्ट होती है वो काम कर रही होती है, तो ऐसे ही स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस होगी जिसके अंदर जो कि एक स्टोर हाउस है प्यार का, एस्थेटिक अवेयरनेस का, अपने बारे में अवेयरनेस का, वैल्यूज का, जिसमें आपको ये पता होता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ का उद्देश्य क्या है, ओके। सो उस लेवल तक ये आपको ले जाना चाह रहे हैं उस थेरेपी के अंदर, ओके। तो जो न्यूरोटिक एंजाइटीज हैं जो अराइज होती रहती है लाइफ में, कोई भी फिजिकल साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जब आता है, सो वो उस चीज को हम क्या कर रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब फ्रेंकल ने एम्फेसाइज किया बेसिकली स्पिरिचुअल एंजाइटीज का क्या रोल रहता है, उसको एम्फेसाइज किया इन्होंने कि जब आप स्पिरिचुअल लेवल पे आपको एंजाइटी होती है, एक मीनिंगलेसनेस आपको फील होती है ना, तो वो चीज जब आप फोकस में लेके आते हैं उसको हम एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी बोलते हैं, और उसी एंजाइटी को ठीक करेंगे हम लोगो थेरेपी के थ्रू या एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के थ्रू,
ओके सो लोगोथेरेपी में थेरेपिस्ट जो है वो ओपन है, अपनी फीलिंग्स शेयर कर मतलब शेयर करेगा अपनी फीलिंग्स, ताकि एक वो जो रिलेशनशिप है ना क्लाइंट के साथ, क्लाइंट का भी मन करे शेयर करने का, एक बॉन्ड फील हो. सो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई देगी. यहाँ पे वो जो है थेरेपिस्ट ये रिमाइंड करवाएगा क्लाइंट को बार बार कि उनकी लाइफ का मतलब क्या है. ओके फिर आता है जी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी. तो बेसिकली एग्जिस्टेंशियल में आप क्यों एग्जिस्ट करते हैं वो जानना चाह रहे हैं, आप उद्देश्य जानना चाह रहे हैं. क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी कार्ल रोजर ने दी है, कई बार हम बात कर चुके हैं इस बारे में, ठीक है. ह्यूमेनिस्टिक अप्रोच भी इसको बोल देते हैं बहुत बार. सो क्लाइंट सेंटर्ड ये काउंसलिंग में आ जाता है, ऑल्दो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी की जब हम बात करेंगे, क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग भी बोलते हैं, पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग बोलते हैं इसको, कि सेंटर में कौन है, पर्सन है, क्लाइंट है सेंटर में, वो ज्यादा पैसे एक्टिव रहेगा, थेरेपिस्ट जो है वो थोड़ा पैसिव रहेगा, अपनी चीजों को क्लाइंट जो है वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा, जितनी भी उनकी फीलिंग्स हैं वो. थेरेपिस्ट का काम इतना रहेगा कि वो एम्पैथी शो करे, चीजों को सुने, एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जो है वो उसके लिए रखे, और एम्पैथी जो है एक इमोशनल रेजोनेंस सेट कर देगी. अगर आप एम्पैथेटिक फील कर रहे हैं सामने वाले इंसान के लिए, एम्पैथी और सिंपैथी में फर्क होता है. सिंपैथी मतलब दया भाव दिखाना दूसरे के प्रति, लेकिन एम्पैथी मतलब उसकी चीज को फील करना. इट्स लाइक जैसे तो आपकी प्रॉब्लम है. ओके सो वो एम्पैथी वाला रिलेशनशिप जो है वो थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में रहेगा, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड रहेगा जब क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी होगी. ओके तो ये जो अनकंडीशनल वार्मथ दिखाई जाएगी ना, ये ट्रस्ट डेवलप करेगी क्लाइंट क्या थेरेपिस्ट के प्रति, और क्लाइंट जो है वो सिक्योर सेफ फील करेगा अपनी बात बताने के लिए. और बाकी चीजें तो हैं कि आप कॉन्फिडेंशियल रखेंगे चीजों को, क्लाइंट थेरेपी के दौरान जो है वो हमारा काउंसलर या जो थेरेपिस्ट है वो कोशिश करेगा कि चीजों को अच्छे से समझ पाए, कैसे गाइड करता रहे, बट अल्टीमेटली डिसीजन इसमें क्लाइंट ही लेता है, क्योंकि क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है. ओके देन आता है जी जेस्टाल्ट थेरेपी. जेस्टाल्ट मतलब होता है होल. ओके जेस्टाल्ट साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं हम. तो जेस्टाल्ट थेरेपी किसने दी, फ्रेडरिक ने दी, फ्रेडरिक पर्ल इन्होंने दी, और अपनी वाइफ के साथ मिलके लौरा पर्ल के साथ मिलके. गोल क्या है जेस्टाल्ट का, इसमें भी ये इंडिविजुअल की सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस, कि आप जैसे हैं वैसे खुद को एक्सेप्ट करें और खुद के बारे में अवेयर रहें, उसको इंक्रीज करना है बेसिकली. ओके सो क्लाइंट को सिखाया जाता है कि वो केयर रिकग्नाइज करे अपने बॉडीली प्रोसेस को, अपने इमोशंस को, ठीक है. तो वो जो ब्लॉकआउट हो रखा है ना, कि अंदर आपको पता ही नहीं है क्या चल रहा है, तो आप अपने आप से अवेयर होना सीखते हैं इसमें भी. सारी थेरेपीज में कुछ एक चीजें आपको कॉमन दिखेंगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है. ओके ये जो थेरेपी है हमारी जेस्टाल्ट थेरेपी, इसको हम ग्रुप सेटिंग्स के अंदर भी कर सकते हैं. अब कुछ एक फैक्टर्स रहेंगे जो हमारी हीलिंग के दौरान, जब हीलिंग कर रहे होते हैं हम, खुद के बारे में जान रहे होते हैं साइकोथेरेपी में, सो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सबसे पहला रोल प्ले करते हैं जो टेक्निक आपके लिए अडॉप्ट की गई है, कि बिहेवियरल टेक्निक है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, या मॉडलिंग है, कौन सी थेरेपी आपके लिए इस्तेमाल की जा रही है. सो वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इसमें, ठीक है. देन जो थेरेपिटिक अलायंस आपके साथ बनाया गया था, जो थेरेपिस्ट और ये हमारे पेशेंट हैं या क्लाइंट हैं, इनके बीच में जो एक रिलेशनशिप, एक अलायंस बना है, वो किस तरीके का अलायंस है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी आपकी हीलिंग जो है, ठीक है. एट द आउटसेट ऑफ थेरेपी, जब पेशेंट जो होता है हमारा, क्लाइंट जो होता है, उसको स्टार्टिंग के सेशंस में इंटरव्यू किया जाता है समझने के लिए कि उसका नेचर क्या है, प्रॉब्लम क्या है. सो उस दौरान वो क्या करते हैं, अपना जो इमोशनल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, उसको अनबर्डन करने की कोशिश की जाती है, कि क्लाइंट जो है वो जो बर्डन लेके चल रहा है ना, वो एक बार बात करके उस बर्डन को हटा दे अपने ऊपर से. और ये जो इमोशनल अनबर्डनिंग है, इसी को हम कैथारसिस बोलते हैं, ठीक है, नाम याद रखिएगा इसका. और हीलिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. प्लस कुछ एक नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स भी होते हैं जो हीलिंग में हेल्प करते हैं. तो नॉन स्पेसिफिक हील मतलब अपने आप को ठीक करने में. ओके नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स मतलब जो हर एक इंसान के लिए अलग अलग हो सकते हैं, मतलब स्पेसिफिक नहीं है कुछ पर्टिकुलर. ओके सो दे अकर अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम ऑफ साइकोथेरेपी एंड अक्रॉस डिफरेंट क्लाइंट, डिफरेंट थेरेपिस्ट हो जाए. तो इसमें दो चीजें रहेंगी, एक पेशेंट वेरिएबल है, एक थेरेपिस्ट वेरिएबल है. तो नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स एट्रिब्यूटेबल टू क्लाइंट, मतलब मोटिवेशन चेंज के लिए, या आप अंदर से ठीक होना चाह रहे हैं, आप तब जाके थेरेपिस्ट के पास गए. तो वो जो पर्सनल लेवल पे आपकी चीजें ना, वो क्या है जी, पेशेंट से रिलेटेड वेरिएबल्स हैं जो चेंज मिलेंगे अलग अलग इंसान में, स्पेसिफिक नहीं है. जो थेरेपिस्ट वेरिएबल मतलब जो थेरेपिस्ट के अंदर चेंज हो सकती हैं चीजें, मतलब थेरेपिस्ट का नेचर, पॉजिटिव नेचर, या एक अनरिजॉल्व इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट की एब्सेंस, या एक प्रेजेंस ऑफ गुड मेंटल हेल्थ. तो ये सारी चीजें जो थेरेपिस्ट से रिलेटेड है, वो थेरेपिस्ट वेरिएबल होंगे. ओके
अब कुछ ना कुछ एथिक्स हैं जी साइकोथेरेपी में, जो हमने इतनी सारी देर से हम थेरेपी थेरेपी पढ़े जा रहे हैं। सो एथिक्स क्या रहेंगे? डेफिनेटली आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट के साथ चीज़ों को करेंगे आगे। कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए क्लाइंट की, मेंटेन रखेंगे आप कि क्लाइंट की जो बातें हैं वो क्लाइंट तक ही और खुद तक ही रहें, आप किसी और को कन्वे ना करें, ठीक है। एलिवेटिंग पर्सनल डिस्ट्रेस एंड सफरिंग शुड बी द गोल। सो मेजर क्या अटेम्प्ट करना चाहिए थेरेपिस्ट को कि वो डिस्ट्रेस करवा, मतलब वो जो डिस्ट्रेस फील कर रहा है, सफर कर रहे हैं, उनको डाउन करना। ओके, इंटीग्रिटी जो है प्रैक्टिशनर क्लाइंट रिलेशनशिप की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रस्ट जो हमने बिल्डअप किया है वो मेंटेन करना है। रिस्पेक्ट जो है ह्यूमन राइट्स की और डिग्निटी की, ये मेंटेन करके रखनी है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और स्किल्स जो है वो थेरेपिस्ट में होनी चाहिए, ये हमें मद्देनजर रखते हुए चीजें करनी है। ऑल्दो ये थेरेपीज जो हमने पढ़ी, इसके अलावा भी कुछ एक अल्टरनेटिव थेरेपीज भी हैं जो पॉसिबल हैं, जैसे योगा, मेडिटेशन, हर्बल रेमेडीज, तो ये एक्यूपंचर जो एक्यूप्रेशर वाली चीजें होती हैं। सो पिछले 25 साल की अगर हम बात करें तो योगा और मेडिटेशन ने काफी पॉपुलैरिटी हासिल किया। आजकल भी योगा से ही होगा वाली सिचुएशन चलती रहती है। सो योगा और मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। योगा के ऊपर कुछ एक वो जो है साइंटिफिक चीजें भी हुई हैं कि पता किया जा सके कि क्या क्या जो लोग योग करते हैं क्लिनिकली उनमें क्या बेटर जो है चीजें हुई हैं, वो यहां से हमें पता चलेंगी कि एंशियंट टाइम में जो इंडियन टेक्निक है जिसको अष्टांग योग बोलते हैं हम, पतंजलि के योग सूत्र से हमें पता चला वहां पे अष्टांग योग मेंशन है। तो योगा बहुत कॉमन हो गया है आजकल के दिनों में, मतलब हम आजकल सिर्फ आसन को भी योग बोल देते हैं। आप जो आसन कर रहे हैं कि अच्छा मैं तो योगा कर रही हूँ, योगा में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती है, ठीक है, ब्रीदिंग भी इंक्लूडेड होती है। तो प्राणायाम, आसन, ये पार्ट होते हैं योगा के जो हम अष्टांग योगा बोल रहे हैं। ओके, मेडिटेशन तो यही है कि आप अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ब्रीदिंग के ऊपर, ठीक है। सो वो मेडिटेशन रहेगा, या किसी भी ऑब्जेक्ट पे, थॉट पे, मंत्र पे, बेसिकली अटेंशन किस पे है, मतलब अटेंशन के ऊपर फोकस है कि आपको एक पर्टिकुलर जगह पे अपनी अटेंशन रखनी है। शुरुआत जब की जाती है मेडिटेशन की, ऑल्दो मैं नहीं करती बट मैंने सुनी है ये चीज कि जब शुरुआत की जाती है तो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोकस करने को बोला जाता है कि और कुछ नहीं सोचना है, बस उसी की तरफ देखते हुए उसी के ऊपर ध्यान करना है। अदरवाइज बाद में अल्टीमेटली जब आप प्रो हो जाते हैं योगा में, तब बिल्कुल यहां सेंटर पे अपने ही ब्रीदिंग के ऊपर, अपनी सांसों के ऊपर फोकस करने को बोला जाता है। ओके, सो विपासना मेडिटेशन जो है, जिसको माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन भी बोला जाता है, वहां पे कोई भी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट या थॉट नहीं होता कि आप पर्टिकुलर किसी चीज के ऊपर अटेंशन होल्ड करें। पर्सन जो है वो पैसिवली ऑब्जर्व करते हैं जो भी बॉडी सेंसेशंस आपके बॉडी में हो रही हैं। कि अच्छा आप शांति से बैठेंगे ना तो आपको अपनी सांसें भी फील होंगी, आपकी हार्ट बीट फील होगी, सो वो सारी चीजें फील करने को बोली जाती है। अब एक ये फुल फॉर्म याद रखेंगे जी आप, सुदर्शना क्रिया योग, SKY। इसको देखा गया है जब इसके ऊपर वो किया ना, मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखे कि ये रैपिड ब्रीदिंग टेक्निक है जो कि इंड्यूस करती है हाइपरवेंटिलेशन को, किसमें, सुक्रिया, ये जो हमारा सुदर्शन क्रिया योग है, ठीक है, SKY। तो इसमें ये क्या बेनिफिशियल पाया गया, लो रिस्क, लो कॉस्ट, ठीक है, ट्रीटमेंट के जो स्ट्रेस का ट्रीटमेंट है वो भी यहाँ पे लो कॉस्ट रहेगा, कुछ नहीं करना है ज्यादा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये देखा गया, जो रिसर्च कंडक्ट की गई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस, फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऐसी ऐसी फुल फॉर्म सडनली आ जाती है एग्जाम में, फिर पता नहीं होता कहाँ से आ गई, तो एटलीस्ट जो NCERT में मेंशन है वो याद रखिएगा। इन्होंने बोला कि इंडिया में है ये निमहान जो हमारा इंस्टीट्यूट है, इन्होंने देखा कि डिप्रेशन को कम करने में काफी हेल्पफुल है ये योग। ओके, तो सुदर्शना क्रिया योग जो है वो डिप्रेशन को रिड्यूस करता है, उससे कनेक्शन इसका देखा गया है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। देन आता है जी कुंडलिनी योग, ठीक है, अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूं तो माफ कीजिएगा। सो कुंडलिनी योग देखा गया है US में जो है, जब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखे गए, ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी जो OCD हमने पढ़ा था उसके लिए हेल्पफुल है जी कुंडलिनी योग। सो ये नाम भी आपको याद रखना है। ओके, तो ये दोनों नाम आपको याद रखने, कुंडलिनी योग से रिलेटेड है, OCD से रिलेटेड, और स्काई जो है वो डिप्रेशन को रिड्यूस करता है। सो ओवरऑल बेनिफिट्स जो है वो योगा के देखे गए हैं, वेलबींग को करने में, मूड ठीक करने में, अटेंशन मेंटेन करने में, तो इन सब चीजों को एनहेंस करते हैं, स्ट्रेस पावर, स्ट्रेस को टॉलरेट करने की पावर इंक्रीज होती है आपकी। तो अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं ना एक स्किल्ड टीचर के साथ, तो 30 मिनट की प्रैक्टिस जो है वो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दे सकती है। और योगा से हम इंसोम्निया को भी ट्रीट कर सकते हैं। इंसोम्निया होता है जिसमें नींद नहीं आती इंसान को, जैसे वो एक मूवी है ना, कोई तो है आलिया भट्ट की मूवी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसके अंदर वो तो किसी और की है, अरे लव यू जिंदगी, तो उसमें
उसको ये इंसोमनिया होता है कि उसको नींद नहीं आती रात को, ठीक है, वो रात रात भर जगती रहती है, तो वो योग से ट्रीट हो सकती हैं ये चीजें। योगा रिड्यूस द टाइम टू गो टू स्लीप एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप, तो जो है स्लीप की क्वालिटी भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। सो ये अल्टरनेटिव थेरेपीज में हम योगा को पढ़ते हैं। तो जो भी थेरेपी आपने अपनाई बेसिकली रिहेबिलिटेशन का काम हमें करना है, जो मेंटली इल लोग हैं उनको रिहेबिलिटेट करना है। मतलब मान लो किसी को अल्कोहल की आदत लग गई, तो अब उसको ठीक करके अल्कोहल की आदत उसकी छुड़वा के कैसे उसको लाइफ में वापस लाया जाए सोसाइटी में कि वो काम करे अपने लेवल पे। ओके, तो रिहेबिलिटेशन का मतलब सिर्फ यही होता है कि पेशेंट को एम्पावर करना है ताकि वो सोसाइटी का अच्छे से एक प्रोडक्टिव मेंबर बन पाए, कि वो सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए। ओके, पेशेंट्स को ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है जी, ताकि वो क्या काम करेंगे उसके बाद, राइट, तो ऑक्यूपेशन क्या रहेगा उनका। प्लस स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, सोशल स्किल ट्रेनिंग, वोकेशन थेरेपी दी जाती है ताकि पेशेंट को ये सिखाया जा सके। जैसे मान लो कैंडल मेकिंग या पेपर बैग मेकिंग या व्यूविंग, कुछ ना कुछ सिखा दिया उनको ताकि वो हेल्प कर सके किसके अंदर, अपने आप की, जब वो सोसाइटी में जाएंगे और एक प्रोडक्टिव मेंबर की तरह कॉन्ट्रीब्यूट कर सके। ओके, सो मेजरली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पेशेंट को सोशल ग्रुप में कैसे फंक्शन करना है वो सिखाना है। कोगनेटिव रीट्रेनिंग दी जाती है ताकि जो बेसिक कोगनेटिव फंक्शन है उनके, कि अटेंशन पावर या मेमोरी या एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, उनको वो अच्छे से मेंटेन कर पाए, इसलिए कोगनेटिव ट्रेनिंग भी दी जाती है उनको। और पेशेंट जब सफिशिएंटली इंप्रूव कर जाता है तब उसको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो स्किल्स जो है उनको गेन करे और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जो है वो उसको मिल सके। ओके, सो ये रिहेबिलिटेशन हमारा रहेगा। सो ओवरऑल ये थेरेपीज थी जो हमने फोर्थ चैप्टर में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़े थे, उनको किन किन थेरेपीज से कैसे हम ठीक कर सकते हैं, कैसे योग हेल्प कर सकता है। जो योग में मैंने आपको पॉइंट बताया कि SKY जो है, जो वो क्या करेंगे, डिप्रेशन को रिड्यूस कर रहे हैं। कुंडलिनी योग जो है वो किसको पर्टिकुलर, किस मतलब जिसको रिड्यूस कर रहे हैं उसका नाम आपको याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning and be consistent in your efforts.